हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पड़ोए। ये एक जौनसारी डिश है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक डो बना लेंगे। ये गेहूं का आटा है, तो चलिए इसका हम डो बना लेते हैं। इसको हम ठंडे पानी में ही आटा लगाएंगे इसका। तो ये हमारा जो है आटा लग चुका है, ये हमारा डो बन गया है सॉफ्ट सा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और हम गुड़ काट लेते हैं। तो हम ये गुड़ काट लेते हैं, एकदम बारीक बारीक गुड़ काटना है हमको। तो ये इस तरीके से हम गुड़ काट लेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम गुड़ किस लिए काट रहे होंगे, तो अभी बताऊंगी मैं ये गुड़ मैंने किस लिए काटा है। तो अब हम एक पतीला ले लेंगे और इसमें हमें पानी डालना है। तो ये पानी हमें थोड़ा ऊपर तक ये रखना है और गैस ऑन कर देंगे। इसमें हम एक उबाल आने देंगे, ये अच्छे से बॉईल होना चाहिए। तो चलिए जब तक ये पानी बॉईल होता है हम आगे इसकी जो है आटे की लोई बना लेते हैं। ये गुड़ है, इसमें मैं थोड़ी सी जो है ये इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालना, अदरवाइज इसको आप रहने दीजिएगा। ये थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ कि इससे थोड़ी खुशबू अच्छी आएगी। तो अब इसकी हम लोई बना लेते हैं आटे की। इस तरीके से हम लोई बनाएंगे। ये मोस्टली हमारे जौनसार साइड में सर्दियों में खाया जाता है। ये पड़वे जो होते हैं उस समय काफ़ी ठंड होती है, तो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है उस समय खाने में। इस तरीके से हम लोई बना लेंगे और इसमें हम ये गुड़ को डालेंगे। और ऊपर से इस तरीके से बंद कर देंगे। आपको पड़ोए का जो साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से लोई लीजिए। अगर आपको मोटे पड़ोए पसंद है तो थोड़ी बड़ी लोई लीजिए, वरना इस तरीके से छोटी लोई लीजिए। आप चाहें तो इसको बेलन पे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेलन पे जो है बनाने में डर लगता है कि कहीं जो इसमें गुड़ होता है अंदर डाला हुआ ये बाहर ना निकल जाए। हाथ से हम धीरे धीरे से इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा गुड़ बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक पूरी की शेप में हमने बना लिया है। तो इस तरीके से हम और भी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 5-6 पूरी की शेप में बना ली है। और इधर ये हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। बस अब हमको इन जो हमने पूरियों के शेप में बनाए हैं इसको बोलते हैं पड़वे, इसको हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड पानी में। मैं अभी ये सिर्फ दो ही डाल रही हूँ पहले, और इसको इसी पानी में हम पकने देंगे। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पड़ोए जो हमारे पक्के रेडी हो गए हैं। ये पक्के तब रेडी होंगे जब ये अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पड़ोए पक्के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए ये ऊपर आ चुके हैं ये पड़ोए, तो यही निशानी है इसकी कि ये पक्के रेडी हो चुके हैं। ये लगभग सिर्फ 2-4 मिनट के लिए हम इसमें पकाते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं जब ये पक जाते हैं। चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं इसमें से। इसमें से हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे और अब इसी तरीके से हम बाकी पड़ोए भी बना लेंगे। अगर बाय चांस क्या होता है आपके, जैसे आप बनाते हो पड़ोए और गुड़ साइड से निकल जा रहा है, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी सी दो पूरी की शेप में रोटियां बनाइए। इस तरीके से हमने ये दो पूरियां बना ली है। तो एक पूरी हम ये इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसमें हम गुड़ डालेंगे इस तरीके से, और ये रोटी का साइज थोड़ा सा बड़ा बन गया। आप चाहें तो थोड़ा छोटा बना सकते हैं। इस तरीके से हमने ये एक पूरी ली, उसके ऊपर हमने इस तरीके से गुड़ डाला, और ये दूसरी पूरी ली और इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और साइड से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये गुड़ इसमें से बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको
अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे बाकी के पड़वे भी बन चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। पानी को अच्छे से निकाल लेंगे हम इसमें से, और ये वाला भी हम डाल देंगे जिसको हमने डबल में बनाया है। तो ये देखिए, ये हमारे पड़वे बनके तैयार हो गए हैं, और इसको हम घी के साथ खाते हैं। और इसको आप पहले ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि क्या होता है जब भी हम निकालते हैं तो ये थोड़ा इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब ये फिसलते रहते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये नहीं फिसलते हैं। और ये देखिए, तो इस तरीके से ये बन के रेडी हो गए हैं। देखिए इसके अंदर गुड़, बस इसी तरीके से इसको खाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ये और हेल्दी फूड है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये जौन सारी डिश कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।